जन्नत के ठेकेदारों तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। ओ हराम के लुक्मे खा करके अपने आप को जन्नती समझने वालों, हमारे पास तो जन्नती जवानों की सरदारी क्या, हमारे तो जन्नत के बारे में भी ना आपको खबर है ना मुझे खबर है। कौन कौन जन्नत में जाएगा ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम। मैं भी जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये मैं यकीन से नहीं कह सकता। जो यकीन से कह सकते हैं उनका अपना जिम्मा है, वो अपनी बात करें। मैं मुझे यकीन नहीं है, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूं कि इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा और उम्मीद बहुत मजबूत है मेरी। और क्यों ना जाऊं इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसों का दामन पकड़ा है, ऐसों का। लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं, मैं तकरीर में सुनता हूं, मैं भी कभी कहता हूं कि सिकंदर मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। मैंने कहा ओ सिकंदर क्या औकात रखता है हम लोगों के सामने, सिकंदर क्या हैसियत रखता है, सिकंदर और अपना क्या तकाबुल है। लोग कहते हैं वो कैसे, मैंने कहा इतनी मेहनत की उसने, आधी से ज्यादा दुनिया फतह की। क्या फतह किया उसने मिलके, बोले क्या फतह किया, आधी से ज्यादा। और जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, जनाजे में हाथ खाली थे। मैंने कहा उसके मुकद्दर में आधी से ज्यादा दुनिया है और मेरे मुकद्दर में नबी और आले नबी और असहाबे नबी का दामन है। तवज्जो कर, फर्क कितना है। उसके हाथ में आधी से ज्यादा दुनिया, मेरे हाथ में आमिना के लाल का दामन, और फिर वो खाली हाथ गया। इंशाअल्लाह मैं खाली हाथ जनाजे में नहीं जाऊंगा, एक हाथ में आले नबी का दामन होगा, एक हाथ में असहाबे नबी का दामन होगा, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। और जो ये दोनों दामन लेके जाएगा फिर उसकी कब्र क्या होगी, तो मेरा इमाम कहता है जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके। सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाश करे, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है और हमें तो आमिना के लाल का दामन मिला है। उम्मीद करते हैं कि जन्नत मिलेगी इंशाल्लाह, लेकिन डर भी है अगर अल्लाह नाराज हो गया तो। ये खास बात, अगर अल्लाह नाराज हो गया तो इसलिए ज्यादा उछल कूद ना किया करो। जब नबी के बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल सकता है, बात मैं एंड की तरफ ले जा रहा हूं, उनवान यही कहना था, मैंने इब्तिदा तमहीद के तौर पे बांधी थी। जब नबी के बेटे को जहन्नम में डाल सकता है, जब नबी की बीवी को जहन्नम में डाल सकता है। मेरी बहनों की भी तवज्जो, क्या लोग भूल गए, ओ हराम के लुक्मे खा करके अपने आप को जन्नती समझने वालों, शराब और जुए में डूब कर अपने आप को जन्नती समझने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालकर अपने आप को जन्नती समझने वालों, पूरे पूरे हफ्ता मस्जिद का मुंह भी ना देखकर अपने आप को जन्नती समझने वालों, जन्नत के ठेकेदारों तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब लूत अलैह सलाम की एक बीवी को अल्लाह जहन्नम में डाल सकता है, नूह अलैह सलाम की एक बीवी को अल्लाह जहन्नम में डाल सकता है, नूह अलैह सलाम के बेटे को अल्लाह जहन्नम में डाल सकता है, हम कौन है भाइयों, हम कौन है।